नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस जुलाई शेष सुधा प्लस टू रिजल्ट विभाग मंत्री का सूचना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परे प्रस्तुति आवश्यक हेले लागी पारे दिने दुई दिन अधिक समय जम्मू काश्मीर बढ़ विधानसभा आसन सीमा पुनर्निर्धारण आयोग बड़ निष्पत्ति 2011 जनगणना आधार में हो सीमा निर्धारण लोकों परामर्श चूड़ांत ड्राम देश में ऑक्सीजन स्थितर समीक्षा प्रधानमंत्री अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक उत्पादन बढ़ावा उपाय उपर आलोचना कोविड्र तृतीय लहर आशंका भितर 1500 ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा दे निर्देश आवास घोटाला विरोध में बड़ लड़े तृतीय दिन में बीजेपी आंदोलन हजारे कोटीर बड़ दुर्नीति विरोध में चली लड़े राज्यव्यापी ब्लॉक ऑफिस घेराव कटक फैमिली कोर्ट में हाजर हेले वर्षा अनुभव पृथक पृथक भाव आसी कंसिलेशन हेले हाजर प्रथम करी कोर्ट में उभय हेले सामना सामने 14 तारीख में कंसिलेशन दिन धार्य हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर गिरफ पांच साइबर ठकों को गिरफ कला पुलिस हैदराबाद रे 30 लाख टंकार साइबर क्राइम करितबाने अभियोग भीमसार रे कोविड रोगी को अवहेला अभियोग अवसर प्राप्त जिला जज को द्वारा तदंत निर्देश देते हाइकोर्ट डाक्तर रहु नथिबा वो बाहर मेडिसिन आनिबा को कहा जाउथिबा अभियोग एवं पाखे आसुच्छे रथयात्रा आज श्रीजीव पवित्र नव जौवन दर्शन और नेत्र उत्सव आषाढ़ अमावास्या तिथि महाप्रभु विशेष बेश स्नान पूर्णिमार स्नान पर अणसर घरे अच्छा चतुर्धामूर्ति आज संपूर्ण खबर को जुलाई शेष सुधा प्लस टू रिजल्ट एने विभाग मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते जुलाई शेष सुधा रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रही तेणु 31 सुधा रिजल्ट प्रकाश करने को चेष्टा चली समय न बाहर दिने दुई दिन अधिक समय लगे मंत्री कहते पूर्व अगस्ट 15 सुधा रिजल्ट बाहर को योजना होता कही आगुरी मुझे ए संपर्क में आम अगस्ट सेकेंड वीक कथा कही कि मान्यवर उच्चतम न्यायालय जेहेतु 31 जुलाई भितर कही काढ़ापी वी आर ट्राइंग बेस्ट फर 31 जुलाई भितर काढ़ापी मुझे आशावादी जी आम 31 जुलाई भितर बाहर करदे पारू हूँ तो ना दिन दुई दिन कथा जदि कौन समस्या आसपा अलग कथ बट वी आर ट्राइंग फर 31 जुलाई जम्मू काश्मीर सीमा पुनर्निर्धारण पर बढ़ विधानसभा आसन विधानसभा बढ़ी पारे 7 आसन यापर विधानसभा 83 परिवर्तन 90 आसन हो समस्त प्रक्रिया 2022 मार्च सुधा शेष हो सीमा पुनर्निर्धारण आयोग सांबादिक सम्मेलन में सूचना दीजिए यह अवसर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रही 2011 जनगणना आधार में सीमा पुनर्निर्धारण हो एथिपाई जो ड्राफ्ट प्रस्तुत जनता पाखरे रखा यहपर लोकों परामर्श अनुसार चूड़ांत ड्राफ्ट प्रस्तुत निजर चारिदिनिया जम्मू काश्मीर गस्तरे सीमा पुनर्निर्धारण आयोग 290 प्रतिनिधि मंडल आलोचना करी परामर्श नहीं and our constitution envisages that Jammu and Kashmir has a long history of delimitation. In 1951 the then state was having 100 seats as delimited by the delimitation committee. 25 of these seats were for POJK. देशर ऑक्सीजन स्थितर समीक्षा प्रधानमंत्री अध्यक्षतार उच्चस्तरीय बैठक उत्पादन बढ़ावा उपाय उपर आलोचना करिछन्ते मोदी कोविड्र तृतीय लहर आशंका भितर गुरुत्वपूर्ण मीटिंग करी
1500 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁ କେୟାର ୟୁନିଟ, ଆଇସିୟୁ ବେଡ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମେଡିସିନ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର କରୋନା ଲଢ଼େଇକୁ ବଳ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର 23,123 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ୍ ସମର୍ପିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଆସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ କନ୍ସଲେସନ୍ ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ କନ୍ସଲେସନ୍ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ବିବାଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ବହୁବାର କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଏବେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। Law will take its own course of action, that's all I can say. It's personal life, I don't want to discuss with anyone else. ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଯାହାଟା ବି ହଉ, ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହଉ, ସତ୍ୟର ଜୟ। ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କନ୍ସିଲିଏସନ୍ ସେଲ୍ରେ କନ୍ସିଲିଏଟର ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଦାଅଦି ହେଇଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ରହିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଆମେ ନଥିଲୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଥିଲା ହିୟରିଂ, ସେ ପିଟିସନ୍ଟା ହିୟରିଂ ହେଲା ଆଉ ସେ ପିଟିସନ୍ ସେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଜବାବ ଦାଖଲ ହେଲା। ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଏକ୍ସପାର୍ଟି ବର୍ଷାକୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟି କରିକି ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ସେ ପିଟିସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପିଟିସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ହେଲା, ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଜବାବ ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ବିଚାର ପାଇଁ ରହିଲା। ଆଉ ଡିଭି କେସ୍ରେ ଆଜି କପି ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଥିଲା, କପି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଉପରେ। और कंटेनमेंट का कार्य सुचारू रूप से इन प्रांतों में किया जाए। वैक्सीनेशन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे, देश ने 36 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ डोजेस बीइंग गिवन टू पीपल कंप्लीट किया है। 36.9 करोड़ टोटल डोजेस देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल डोजेस हम देखें तो 1.76 करोड़, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.74 करोड़, पीपल एजेड अबव 45 ईयर्स जो एक हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है उसको 21.21 करोड़ और 18 से 44 वर्ष के लोगों को 11.19 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज कैसे देश में एफर्ट्स करते हुए हम वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। अगर हम देखें कि टोटल वैक्सीनेशन डोज एक एक माह में कितनी दी गई हैं तो हम पाते हैं कि अप्रैल में 8.99 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ डोजेज दी गई, इसी तरह से मई के महीने में 6.1 करोड़ डोजेज और जून में वह गति बढ़ते हुए 11.97 करोड़ डोजेज दी गई हैं। अगर हम देखें कि विद इन जून ऑल्सो, जबकि रिवाइज पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जिसमें कि 75% डोजेज देश के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को फ्री दी जाती हैं, उस समय से हम देखें तो पाते हैं कि ऑन एन एवरेज देश में 5.26 करोड़ डोजेज 21 जून से 30 जून तक दी गई और अगर हम प्रति रोज का औसत देखें तो पाते हैं कि 52 लाख के करीब डोजेज प्रति रोज के हिसाब से उस समय में दी गई हैं। 1 से 7 जुलाई में भी अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.91 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप का क्या कवरेज है तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज को जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें 87.5% लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और साथ ही इसमें से
सेकेंड डोज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी उसमें करीब 62.9% लोग कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि म्युनिसिपल वर्कर्स, वह लोग जो हमारी कंटेनमेंट जोन और फील्ड फंक्शंस को देखते हैं, उसमें एलिजिबल पॉपुलेशन का 90.9% फर्स्ट डोज के द्वारा कवर हो चुका है और इस ही पॉपुलेशन को 50.4% लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। साथ ही 45+ एज ग्रुप जो कि अगेन प्रायोरिटी एज ग्रुप है, उसमें फर्स्ट डोज में 46.5% और सेकेंड डोज में 14.0% लोगों को हम दे चुके हैं। साथ ही हमने जैसे कि 18-44 एज ग्रुप में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें अब तक एलिजिबल पॉपुलेशन का 17.8% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। यहाँ जब हम इस विषय में बात करते हैं कि देश में केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमें यह सब फिर भी ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले बार भी हमने इस मंच से चर्चा की थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे यूनाइटेड किंगडम में, जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई और जहां सेकेंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है, फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि इस वायरस का बिहेवियर क्या है और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकेंड पीक से भी अधिक केसेज नोट किए गए हैं। जहां एक स्थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेज में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रतिरोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। नॉट ओनली साउथ कोरिया, हमारे पास के देश में अगर हम इंडोनेशिया में भी देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर भी एक डिस्टिंक्ट पीक, बहुत ही अधिक गति से बढ़ती हुई पीक नोट की जा रही है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे पाएंगे, जहां एक समय पर उनके यहां पर पीक 12,700 केसेस प्रतिरोज के औसत से आ रही थी। आगे रही आगे गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकाइबा हेले समय ही एक छोटा कमर्शियल ब्रेक। स्वागत, चिंता बढ़ाऊछि भुवनेश्वर और मयूरभंज। राज्यर किछे स्थानरे संक्रमण कमुछि किंतु एही दुईटे स्थानरे संक्रमण ह्रास पाउनि, संक्रमण बढ़ुनि किंबा गुरुतर रोगी चिन्हट हेउनाहांति, जहाँकि राज्य पाई आश्वस्तिकर खबर। अन्यपटे राज्यरे केन्द्रीय टीम विभिन्न स्थान बुली स्थितिर तदारख करिछन्ति बोली कहिछन्ति स्वास्थ्य विशेषज्ञ विजय महापात्र। अन्यपटे टीपीआर अनुसारे संक्रमण बढ़ुनि, जेउठी अधिक पॉजिटिव आसुछे सेठी फोकस करा जाउछे, तबे तृतीय लहर काल्पनिक अवस्था रे अछि बोली कहिछन्ति डीएमटी सिबी के महांती।
अन्यपटे 15 तारीख पर गर्भवती मान टीकाकरण आरंभ हो जो जिले में जो टीका दि जाऊ टीका दिज्व आज एने गाइडलाइन जारी कर 15 तारीख पूर्व एएनएम आशा अंगनवाड़ी और स्वास्थ्यकर्मी तालीम शेष करने निर्देश दि जाती परिवार कल्याण निर्देशक विजय पाणिग्राही। टीका केन्द्र रे अव्यवस्था गंजाम जिले में टीकाकरण अव्यवस्था टीका केन्द्र रे असंभाल भिड़ सह ठेला पेला टीकाकरण केन्द्र रे लोकों पाई रहुनी आनुषंगिक व्यवस्था भल भाव देखत ए दृश्य को टीका नेवाई हजार हजार लोकंर एमती भिड़ जे सोरी सेटे पकड़ भी जगह ना खलिकोटू आसिका पोलसरारू पात्रपुर जुआड़े देखिए टीका केन्द्र में हाउ जाऊ ठेला पेला गंडगोल आउ घंटा घंटा अपेक्षा देखिले लगुच्छे एटी सामाजिक दूरता संपूर्ण बुली जाए गत दुई दिन भितर पोलसरा राणीपड़ा टीका केन्द्र में ठेला पेलें भानुमती साहू नामक जड़े महिला पापुली को माड़ होगा सह हाथ भांगी जाए अनुरूप भाव पात्रपुर ब्लक सामुंतियापल्ली टीका केन्द्र में भिड़ एमती हो ठेला पेलें तीन रु चारिज आहत होता सहित जड़कर हाथ भांगी जाए एमती भाव में टीकाकरण चली गंजाम एकाधिक टीका केन्द्र में प्रायतः मुझे ये जो सिचुएसन देखिले बहुत गुड़ा लोक अफलाइन टीकापाई मैंने ये आसे कि कौन प्रॉब्लम हो ऑनलाइन रे तो अच्छे अफलाइन से मिस कर जो मैंने आम बहुत टाइम वेस्ट कराऊे कि आम से तो ऑनलाइन रे अप्लाई कलु ये देवाई तथा मैं टी लेट हो व्यवस्था मैंने आम पिला लगे जो मैंने टीका दूसरी से डाटा ग्लुकोज पा सानिटाइजर मास्क सब से कर जे गोटे कोरोना महामारी रक्षा करने समस्त सहयोग दरकार टीका ने मो सहित मो अंचल मो ये को कोरोना महामारी संपूर्ण रूपे विनाश करने समस्त एकजुट हाँ आशा रखी पखापाखि मोर नंबर शहे पर अच्छी 400 टीका आग्य थी मिले आग्रह हाँ आग्रह अच्छी दु दिन तीन दिन है मुझे चेष्टा कर राज्य में कोरोना मृत्यु लागुनी ब्रेक पुणे रेकर्ड 61 जनक जीवन नाला भाइरस खोर्धा सर्वाधिक 11 जन पुणे मयूरभंज गंजाम और बरगड़ 6 लेखाएं मृतक रही मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 4,476 में पहुंची सेपटे 24 घंटे राज्य 2,806 पॉजिटिव चिन्हट होते खोर्धा 590 कटक 441 जाजपुर 252 बालेश्वर 153 पुरी 138 ढेंकानाल 124 आक्रांत रही वर्तमान राज्य में मोट एक्टिव केस संख्या 27,438 पहुंची। भीमसारे कोविड रोगी चिकित्सा अवहेला अभियोग अवसरप्राप्त जिला जज द्वारा तदंत निर्देश दे हाइकोर्ट तदंत करी हाइकोर्ट रे रिपोर्ट दाखल करेंगे अवसरप्राप्त जिला जज बुला भीमसारे कोरोना द्वितीय लहर समय रोगी चिकित्सा अवहेला अभियोग आनेक समय डाक्तर अनुपस्थित रोकता बेले औषध बाहर आने को रोगी को कहुता अभियोग आधार में राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एक तीन जनीया कमिटी गठन कर घटनार तदंत कर मे 26 कमिटी यार तदंत रिपोर्ट दाखल कर यार कॉपी आवेदनकारी को प्रदान करने हाइकोर्ट निर्देश देते किंतु कमिटी रिपोर्ट में तथ्य ठीक नथिबा दर्शाई आवेदनकारी हाइकोर्ट में जवाब दाखल करते तबे तदंत राज्य सरकार को समस्त सहयोग जोगाई देवा निर्देश दिया जाए मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस सावित्री रथ को नहीं गठित खंडपीठ मामलार शुणाणी करते आवेदनकारी हेले बरगढ़ ज्ञानदत्त चौहान तबे से दिल्ली विश्वविद्यालय आईन छात्र मामलार परवर्ती शुणाणी सेप्टेम्बर 15 को धार्य कर देखिए आगो को आगे गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय चेक छोटा कमर्शियल ब्रेक रहा। ब्रेक पर स्वागत गणशिक्षा मंत्री बासभवन घेराव कले राज्य में बीएड करुवा छात्र छात्री ओएसएस टीईटी कंट्राक्ट टीचर और बीएड नियमावली समन्वय रहुन अभियोग आनी छात्र छात्री एथपाई 2018 पर जो छात्र छात्री बीएड करुंने हाईस्कल शिक्षक प्रवेशिका परीक्षा बा ओएसएस टीईटी देवा योग्य होना यार प्रतिपाद मंत्री बासभवन घेराव कर
सेपटे मंत्री कहिछन्ती छात्र छात्री दाबी संपर्क में विचार करा जिवो समस्त छात्र छात्री जेभली परीक्षा दे पारिबे सेने व्यवस्था करा जिवो छात्र छात्री दाबी को आखिरे रखी ओ एसएसटीईटी परीक्षार शेष आवेदन तारीख 13 तारीख रु दिने दुई दिन पर्यंत घुचाई दिया जिवो आम जो 2019 आडमिशन कली तो आम आडमिशन क्राइटेरिया थिला कि जेकोसी दुईटा स्कूल सब्जेक्ट थिले तो आम बीएड पाइपरू मोर थिला जो राजनीति विज्ञान इतिहास थिला तो मुझे जो बीएड पाइगली तो मुझे ओएसटीटी कौन पर सरकार आमको कौन पर हतदार करी आमको काउनसलिंग करके बीएड कलेज पढ़े देन आम एलिजिबल कौन पर होनु से विषय में आम मंत्री सहित कथबार्ता हलु मंत्री आमको आश्वर कर बीएससी सहित कथबार्ता होती एक्शन निहां जहाँ रही ओएसटीटी गाइडलाइन से जहाँफल कि जो मैंने 2018 मसीह पास आउट ग्राजुएसन पास आउट होगा जो मैंने एससीईआरटी अंडर में गाइडलाइन अनुसार बीएड करते जमी ओएसटीट दे पारत आ कंट्राक्चुआल जो टीचरशिप टीचर जो बाहर जब पाईका से अप्लाई कर पारत 2000 जोटा कि एससीईआरटी गाइडलाइन प्लस आमर जो आम ओएसटीट गाइडलाइन जो डिफरेंस अच्छी जहाँफल कि हजार हजार पे दि जाऊँ कि बीएड करूँ बौद्ध जिला डीएफओ कार्यालय घेराव करिछि बीजेपी युव मोर्चा वन विभाग में व्यापक हरिलुट चलिथिबा अभियोग होइछि जगन्नाथ वन प्रकल्प नारे बौद्ध जिले में व्यापक हरिलुट होइथिबा बीजेपी युव मोर्चा अभियोग करिछि 50-60 लक्षर प्रकल्प में 5-6 गच्छ नथिबा दलर कर्मी अभियोग करिछन्ते एहा सह वन विभाग में थिबा अन्यान्य अव्यवस्था बा ए विरोध में डीएफओ को भेटि एक दाबीपत्र प्रदान करिछि युव मोर्चा आम आज विभिन्न इश्यू को लेकिन डीएफओ को एक दायीपत्र जमी जगन्नाथ वन प्रकल्प ना बौद्ध जिले में व्यापक हरिलुट हो 50-60 लक्ष टकर प्रकल्प आज से पांचटा भी गच्छ ना ठीक से प्रकार एमजीएनआरई जी कम देखी ये मेसीन में कम हो ट्रेंज खोला ना लक्ष लक्ष टा बिल हो ट्रेंज ना ये जंगल विभाग चारा ठू नहीं बड़ गछ पर्यंत ये सबुठ दुर्नीति चली अनेक रास्ता गाँव को संयोग कर रास्ता जोटा आज पर्यटन वन विभाग अंडर में थी से रास्ता हो पारे आम दाबी करुकु तुरंत आर डी विभाग को हस्तांतर कराफल कि गाँव रोके सबुदिनिया रास्ता पाई उपकृत हो पार समय सारी बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।